मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। फिल्म के बारे में बताइए सर, कलाकारों के बारे में बताइए, क्या कुछ नजर आने वाला है इस फिल्म के जरिए? ये एक भोजपुरी मूवी है और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि जो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, भोजपुरी जो भी बेल्ट है, कुछ पुरानी जो विधाएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं और उसी चीज़ को मैं इन नए बच्चों के माध्यम से उसको मैं शहर में लेके आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो विधाएं शहर में आके इस फिल्म के माध्यम से डेवलप करती है और वो एक अच्छा संदेश समाज को देती है और बहुत ही मतलब इसमें थोड़ा सा लव स्टोरी भी है, फुल कॉमेडी भी है और एक कल्चर आधारित मूवी है जो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड से बिलोंग करती है और इसमें मेन लीड विमल बेदर्दी कर रहे हैं और लीड एक आस्था तिवारी जो है सामने बैठे हैं ये हैं और एक और है सेकेंड लीड जो अभी हमारे लोग के बीच में नहीं है, वो नहीं आ पाए किसी कारणवश और बाकी एक और लीड है वो भी नहीं आए और बाकी जो और अलग पर्सन जो भी हमारे ये दो चार बंदे हैं यहाँ साथ में हैं, सभी लोग मिलकर मुहूर्त की अच्छा लगा और एक संदेश रूपी मान लीजिए मूवी। जैसे आपने कहा कि कल्चर नज़र आने वाला है तो क्या कल्चर नज़र आएगा? पोस्टर में तो कुश्ती का अखाड़ा नज़र आ रहा है। हाँ तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना भोजपुरी की, जैसे कभी कल हम बचपनों में देखा करते थे कि हमारी जो जैसे कभी फरी डांस वगैरह का हम लोग चॉइस लिया करते, आज वो नहीं दिख रहा है भोजपुरी में। अहुरका का एक डांस हुआ करता था जो कभी आज किसी मूवी आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। वो कुश्ती का भी तरीका यहाँ दिखाने का अलग है और गाँव का तरीका अलग है तो उस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और फिल्म के कलाकारों का कास्टिंग आपने कैसे किया, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन किया? फिल्म के काफ़ी नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं तो क्या आपको लगता नहीं आप रिस्क ले रहे हैं? नए तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आर्टिस्ट हैं और थिएटर किए हुए हैं और सब कुछ मैंने देख सुन के भी कास्ट किया है और अच्छा लगा मुझे इनका परफॉर्मेंस देख के चारों तरफ से। ये मिस्टर भोजपुरिया क्या है? ये टाइटल है और टाइटल के साथ साथ वो एक ऐसा नाम है जो बचपन से मतलब गांव में रहा और उसको मिस्टर भोजपुरिया का नाम कब होता है जब वो शहर में आके उन गांव के चीज़ों को दिखा के डेवलप कर देता है तो लोग उसे एक नाम देते हैं ये मिस्टर भोजपुरिया है तो ये चीज़ है मिस्टर भोजपुरिया। शूटिंग कब से स्टार्ट होगा सर और लोकेशन क्या क्या होगा आपकी फिल्म का? शूटिंग अवैब जनवरी शूट होने वाला है। ये यूपी में हम करेंगे, लोकेशन यूपी का है लेकिन अभी जगह फाइनल नहीं है, मैं कर लूँगा। म्यूजिक पर किस प्रकार से ध्यान दिया आपने? म्यूजिक इसमें मेरी बात हुई है भोजपुरी के जाने माने सभी लोग जानते हैं छोटे बाबा को, उनसे मेरी बात हुई और म्यूजिक मैं उनसे करवा रहा हूँ। जी आस्था जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आपका रोल है, कुछ बताया गया फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से आपको? अभी तो उतना डिस्कस नहीं किया हमने फिल्म के बारे में, अभी डिस्कस करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके पहले आपने क्या कुछ किया है, क्या फर्स्ट फिल्म है आपकी, इसके पहले आपने कुछ किया है, फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा? इसके पहले मैंने कुछ किया नहीं, अभी फिलहाल में मैंने एक मूवी शाइन किया है यारम और सर का ही वो मूवी है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने चुना, लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने चुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस प्रकार से देखते हैं, किस नज़र से देखते? क्योंकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरी जो जन्मभूमि है वो वहीं से, इसलिए मैंने भोजपुरी को सिलेक्ट किया फर्स्ट। सर आप बताइए आपका नाम क्या है और इस फिल्म के बारे में बताइए सर, मिस्टर भोजपुरिया। जी सर मेरा नाम विमल बेदर्दी है और सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी पूरी टीम की तरफ से और महंत राज फिल्म के बैनर तले से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। और बोलिए सर क्या रोल है सर आपका? जो रोल है सर इसमें आप लोग देख ही रहे हैं बैनर पे और इसमें हमारा करेक्टर रोल है और लीड रोल है और इस फिल्म में जो भी है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये फिल्म मुझे करने का मौका मिला और हमारे सर बैठे हुए हैं, हमारे सुरगान सर जी और तमाम हमारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे टीम के एक्टर हैं, सभी लोग आए हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी पहली फिल्म है? जी पहली फिल्म तो है और इससे पहले मैंने बहुत सी फिल्में में काम किया था लेकिन वो सब क्लोज हो गए, कोई फाइनल नहीं हुआ। तो ये हमारी फिल्म जो बन रही है मिस्टर भोजपुरिया, हमें आशा नहीं है, पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म में बनेगी और कोशिश है हम लोग का और पूरे हमारी टीम से कोशिश है
कि हमारी फिल्म बने और एक मार्केट में नया चीज़ लेकर उतरे। आगे आने वाले समय और कोई प्रोजेक्ट है इसके अलावा आपका? आगे तो सर अभी चलता डिसाइड नहीं किया है, लेकिन चलता रहेगा। पीछे हटने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, आगे बढ़ने का नाम लेते हैं। सुलेमान जी, आपको कुछ कहना है इस फिल्म के लिए ऑडियंस है? ऑडियंस को मैं क्या कहूँ, बस मूवी कर रहे हैं हम लोग, लगे एक इसको कमर्शियल भी लेके चला हूँ और डॉक्यूमेंट्री भी लेके चला हूँ मैं। और लोग से मैं आग्रह करूँगा कि देखे और देखने के बाद अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने भोजपुरी को उठाया है, उस चीज़ों को उठा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बचपन में कभी हम लोग किया करते थे उसी चीज़ को मैंने इसमें दिखाया है। आपको कितना चैलेंजिंग लगता है कि आजकल मार्केट में इतना टफ हो गया मार्केटिंग करना? फिल्में तो लोग बना लेते हैं, उसको बेचना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन सर मैं वो सोच के नहीं बना रहा हूँ, मुझे मैंने आपसे बता दिया कि कमर्शियल भी लेके चला और एक डॉक्यूमेंट्री भी लेके चला, मुझे की स्टोरी देनी है लोगों को। अगर अच्छी स्टोरी रहा, अच्छी स्टोरी रही मेरे हिसाब से, अगर स्टोरी अच्छा हो, वर्क अच्छा हो, तो लोग जरूर देखेंगे, देखने के बाद जरूर बोलेंगे कि बहुत अच्छा स्टोरी है, स्टोरी बेस में मैं काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि नए कलाकारों के साथ शुरुआत में बड़ी मुश्किलें आती है, तो आप इस मुश्किलों का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं? ऐसा नहीं है सर, कोई ना कोई आदमी, कहा जाता है कि कोई पेट से सीख के नहीं आता है, और कहीं ना कहीं हर आदमी एक बार नया होता है, और हर एक नया होता है करने के बाद वो पुराना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप रखता हूँ भरोसा और इन लोगों को मैं करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किरदार आने वाले हैं, बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा नाम अजय दास है और मैं इस पिक्चर में, मतलब सर से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पिक्चर में काम नहीं कर, इससे पहले मैं दो शॉर्ट मूवी कर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी पिक्चर है, क्योंकि ये मतलब शॉर्ट मूवी के जैसे है नहीं, बड़ी मूवी है, और मैं पूरे दिल से तन मन धन से मैं इसमें मेहनत करूँगा, और इसमें मेरी बड़ी मतलब ये तो नहीं है किरदार, एक कॉमेडी के तौर पर मैं इसमें कॉमेडी का मतलब आर्टिस्ट का जो होता है किरदार निभाऊँगा मैं इसमें। तो कितने तैयार है इस किरदार के लिए? मैं कितने तैयार ये तो नहीं बोल सकता हूँ सर, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी मतलब परफॉर्म कर सकूँ मैं इस पिक्चर में। मैं पहले किया नहीं हुआ सर, लेकिन करूँगा, काफ़ी मेहनत करूँगा इसके लिए, और चाहूँगा कि मतलब एक बहुत बड़ी मूवी और बहुत अच्छी बने, ताकि लोगों का मतलब मनोरंजन हम कर सकें। जी सर, आप बताइए, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और मिस्टर भोजपुरिया के बारे में बताइए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम पाल जी, मैं सबसे पहले सभी भोजपुरी श्रोतागण को नमस्कार करता हूं, और अपना चैनल महंत राज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले मिस्टर भोजपुरिया फिल्म का शुभारंभ करते हुए आज इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, और इस फिल्म पुरानी परंपरा को लेते हुए एक बहुत अच्छी कहानी इसमें बनाई गई है, और आप लोग के बीच बहुत जल्दी ही फिल्म आरंभ शूटिंग होने के बाद फिल्म मिस्टर भोजपुरिया की शूटिंग होगी, और बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच ये फिल्म देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हमारे लिए सब कुछ है। किसी आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सर मैं इसमें किरदार निभा रहा हूँ, हमारा भी इसमें हमारे सर का हाथ है, इसके पहले एक शॉर्ट मूवी हमने किया है और गाने भी 5-6 किए थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मूवी है, पहली बार कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि मिस्टर भोजपुरिया एक अच्छा कहानी है, और हमारे राइटर हैं सर सुरभान राय, बस सर इतना। आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट वगैरह कुछ पढ़ी है क्या? हाँ सर, स्क्रिप्ट तो बताए थे सर, हमारे करेक्टर के बारे में बताया। करेक्टर हमारा है साइड रोल है, जैसे हमारे कोई भी गेम होता है खेलते, हम गाँव में बचपन में खेलते थे, कोई भी चीज़ हुआ जैसे खो खो हुआ या कबड्डी हुआ, ऐसे सारे बहुत सारे खेल थे पहले, आज की डेट में नहीं है गांव में, गांव में है चलता है, कम चलता है, आज शहर में तो एकदम नहीं है, इसीलिए ये चीज़ हम शहर में ला रहे हैं ये चीज़। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर।